वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34। कौन सा है? 34, ठीक है। ये हमारे कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हमने एक से लेकर 33 तक सभी डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो पहले उनको जाके देख लीजिए, फिर अगर आप ये देखेंगे तो आपको सभी अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन कह रहा है समावयवता, क्या समावयवता का, ठीक है, ये क्या लिखा है, समावयवता का वर्गीकरण, क्या लिखा है ये, वर्गीकरण का फ्लो चार्ट बताइए। क्या बताइए? समावयवता का वर्गीकरण का फ्लो चार्ट आपको बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन फ्लो चार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, जितने भी समावयवता या उसके जितने भी टाइप्स हैं उनको सबको हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ लिया, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने इसको सबको पढ़ लिया है, जितना भी हमारा आइसोमर है, समावयवता, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, समावयवता होती क्या है, सबको हमने कहाँ पढ़ लिया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है, तो हम इसमें केवल फ्लो चार्ट बताएंगे, इसके अलावा हम क्या होता है समावयवता क्या नहीं होता है ये आपको कहाँ देखना है जाके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप पीछे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं उनको एक एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो हम केवल यहाँ पर चार्ट की बात करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये समावयवता आखिर होता क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हम नहीं पढ़ेंगे। केवल हमें क्या बताना है, फ्लो चार्ट बताना है। तो समावयवता क्या, समावयवता, ठीक है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म मेनली टू टाइप्स की होती है, ठीक है, दो तरह की होती है, कौन कौन सी, आपकी संरचनात्मक और दूसरा हमारा प्रकार होता है त्रिविम, ठीक है। पहला प्रकार क्या है आपका, संरचनात्मक समावयवता, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आपका है त्रिविम समावयवता, क्या, त्रिविम समावयवता, इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो समावयवता हमारी कितने भागों में डिवाइडेड है, केवल दो भागों में, ठीक है, कौन कौन सी, संरचनात्मक और त्रिविम समावयवता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संरचनात्मक समावयवता की, ये कितने प्रकार की होती है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, संरचनात्मक समावयवता हमारी छह प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, सिक्स टाइप की होती है, कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये छह प्रकार आपके कौन कौन से, पहला इसका प्रकार है, नंबर एक क्या है आपका, श्रृंखला समावयवता, क्या है, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्या है, श्रृंखला समावयवता। इसका दूसरा प्रकार आपका क्या होता है, बलय श्रृंखला समावयवता, बलय रिंग को कहते हैं, बलय क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, रिंग को कहते हैं, ठीक है, चाहे वो चार कार्बन की रिंग हो, चाहे पांच कार्बन की, चाहे छह कार्बन की, उसको कहते हैं बलय श्रृंखला समावयवता, ठीक है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है आपका स्थान समावयवता, क्या होता है, स्थान, पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजिशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये आपका थर्ड प्रकार होता है, कौन सा, स्थान समावयवता, ठीक है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसका फोर्थ प्रकार होता है चलावयवता, क्या होता है, चलावयवता, टाउटोमेरिज्म इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टाउटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ कौन सा टाइप होता है इसका, फिफ्थ होता है मध्यावयवता, क्या होता है, मध्यावयवता, ठीक है, इसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म, क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है। सिक्स अगर हम बात करें, सिक्स टाइप की इसकी जो छठवां प्रकार होता है वो आपका कौन सा है, क्रियात्मक समावयवता, ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो समावयवता होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, संरचनात्मक और आपकी त्रिविम। संरचनात्मक हमारी छह प्रकार की होती है जिसको हमने एक एक करके देख लिया है। अब हम बात करें कि जो त्रिविम समावयवता होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये है आपकी त्रिविम समावयवता, ठीक है, क्या है, त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आपकी दो प्रकार की होती है, ये आपकी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, कौन सी, त्रिविम समावयवता हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है, कौन कौन सी, इसमें एक पहला होता है आपका ज्यामितीय समावयवता, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये पहला प्रकार होता है किसका, त्रिविम समावयवता का। दूसरा प्रकार इसका कौन सा होता है, प्रकाशिक समावयवता, क्या होता है, प्रकाशिक समावयवता, या इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
ठीक है। तो हमने देखा इसका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में केवल हमने क्या देखा था, फ्लो चार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी समावयवता है इसका फ्लो चार्ट, इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो समावयवता दो भागों में थी, कौन कौन सी, आपकी संरचनात्मक और त्रिभुज। अब ये संरचनात्मक जो है वो हमारी छह प्रकार की है, कौन कौन सी, श्रृंखला, वलय श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, चलावयवता और मध्यावस्था, और क्या होती है, मध्यावयवता, और क्या होता है आपका, क्रियात्मक समावयवता। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारी त्रिभुज समावयवता है वो दो प्रकार की होती है, नंबर एक आपका ज्यामितीय समावयवता, नंबर दो प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया समावयवी का वर्गीकरण का फ्लो चार्ट, क्या हो गया, समावयवी का समावयवता का वर्गीकरण का फ्लो चार्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जितने भी इसके प्रकार हैं इनको हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस कर लिया है, समावयवता क्या होती है, ठीक है, ज्यामितीय समावयवता क्या है, प्रकाशिक समावयवता क्या है, आपकी स्थान समावयवता, ये इसको स्थान और श्रृंखला को इसको हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ये आप जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू गाइस।